नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोकैरियोट होते क्या है। ओके, तो व्हाट आर द प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट्स आर नथिंग बट बैक्टीरिया। मीनिंग ऑफ द प्रोकैरियोट क्या है? दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। उनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो जो कुछ जेनेटिक मटेरियल है, ओके, जो कुछ डीएनए है, वो डीएनए किधर है? साइटोप्लाज्म में है। और ये डीएनए को कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप सराउंड नहीं करता, मतलब देयर डीएनए इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। उसके वजह से उनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। तो ये देखो, ये है उनका डीएनए। ओके, और ये डीएनए होता कैसा है? डीएनए है हाईली कॉइल्ड है। ओके, ये दिख रहा है, हाईली कॉइल्ड है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, इट इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये डीएनए पैकेज होता कैसे है? ये पूरा जो प्रोकैरियोट है उसका अगर हम लोगों ने डायमीटर देखा, तो ये डायमीटर होगा और उसका साइज होगा ऑलमोस्ट 2 to 3 माइक्रॉन। ओके, कितना है? 2 to 3 माइक्रॉन। और उसके अंदर जो डीएनए है, इसको अगर मैंने अनकॉइल्ड किया तो उसका साइज हो जाएगा 1100 माइक्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1.1 mm। मतलब 1.1 mm का डीएनए इतने छोटे सेल में कैसे एकोमोडेट हो जाता है, कैसे अंदर रह सकता है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, वही है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ई कोलाई का साइज कितना है? 2 to 3 माइक्रॉन लॉन्ग। ओके, और उसके अंदर जो डीएनए है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड, या फिर उसको बोलते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। कैसा है ये? स्मॉल है, सर्कुलर है, हाईली फोल्डेड है, जिसका लेंथ है, ओके, द नेकेड रिंग डीएनए, मतलब अगर उसको कट करके ओपन कर दिया तो उसका उसका लेंथ कितना आएगा? 1100 माइक्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1.1 मिलीमीटर। मतलब ये डीएनए को मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया तो कितना लेंथ है उसका? 1.1 मिलीमीटर, और दैट इज इन पेरीमीटर। एंड ये 1.1 मिलीमीटर में कितना नाइट्रोजन बेसिस है या फिर कितना न्यूक्लियोटाइड है? देर आर 4.6 मिलियन बेस पेयर। मतलब इतने छोटे डीएनए में 4.6 मिलियन बेस पेयर क्या रहेंगे? न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम आपको मैं जो नेक्स्ट दिखाने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस? ये है नेगेटिवली चार्ज डीएनए। आपको पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है? बिकॉज उसके अंदर क्या रहता है? फॉस्फेट ग्रुप। एंड बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ये दिख रहा है, ये सर्क्यूलर डीएनए है। ओके, तो ये सर्क्यूलर है, अनफोल्डेड क्रोमोजोम है। ओके, जिसका डायमीटर कितना है? 350 माइक्रोमीटर। अभी क्या होता है, यहाँ पे एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं। ओके, यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे? यहाँ पे बाइंड करेंगे। ओके, तो अलग अलग जगह पे ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रहे हैं? बाइंड कर रहे हैं। तो जैसे ये डीएनए प्रोटीन बाइंडिंग बाइंड करेंगे, ये क्या करेंगे? अंदर की तरफ मूव हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? ये अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे? मुंह हो जाएंगे। अगर ये अंदर की तरफ मुंह होने लगे तो यहाँ पे देखो एक लूप जैसे क्रिएट होगा। कैन यू सी दिस? दिख रहा है, ये लूप हो रहा है। तो ये लूप यहाँ पे क्या रहेगा? दिस इज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे क्या रहेगा? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे क्या रहेगा? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे भी क्या रहेगा? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, यहाँ पे भी क्या रहेगा? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से जो अपना डीएनए सर्क्यूलर था वो क्या हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इन टू लूप लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ऐसे लूप फॉर्म हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो लूप फॉर्म हो रहे हैं, ये दिख रहा है, ये लूप, ये किसके वजह से हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, तो ये लूप फॉर्म होने के बाद ये लूप को देखो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आरएनए कनेक्टर है। दिख रहे हैं आरएनए कनेक्टर, मतलब दो लूप को बाजू बाजू में अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा? आरएनए कनेक्टर हेल्प करेंगे। ओके, तो पहले क्या हो रहा है, ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे बाइंड करेंगे, इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो वो लूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तभी क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर कम हो जाएगा।
जो 350 माइक्रोमीटर था उसका डायमीटर हो जाएगा 30 माइक्रोमीटर, और ऐसे कितना लूप्स है, 40 टू 50 लूप्स फॉर्म हो जाएंगे, और हर एक लूप, ये दिख रहा है ये सिंगल लूप, ये फिर से कॉइल्ड हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? फिर से यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, कॉइलिन दिखेगा, मतलब सिंगल लूप ये फिर से सुपर कॉइल हो रहा है। कैन यू सी दिस? सुपर कॉइल होने के बाद उसका डायमीटर कितना हो रहा है, 2 माइक्रोमीटर। मतलब जो 350 माइक्रोमीटर का डीएनए था वो फोल्ड होके, सुपर फोल्ड होके, सुपर कॉइल्ड होके कितना हो गया, 2 माइक्रोमीटर। आर यू गेटिंग दिस? तो उसके लिए ये फोल्डिंग जो है, सुपर फोल्डिंग है या सुपर कॉइलिंग है, उसके लिए एंजाइम्स है। एंजाइम का नाम है डीएनए गायरेज एंड टोपो आइसोमरेज। ये एंजाइम क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। सो अल्टीमेटली आपका जो डीएनए है या फिर बैक्टीरिया का जो डीएनए है, ये सुपर कॉइल्ड हो जाएगा, और सुपर कॉइल्ड होने के बाद उसका डायमीटर बनेगा 2 माइक्रोमीटर। तो देखो यहाँ पे ईच डोमेन इज कॉइल्ड, सो कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम इज 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सो कॉइलिंग है, कॉइलिंग के लिए कौन काम कर रहा है, एक तो हिस्टोन लाइक प्रोटीन HU, ओके, एंड अनदर इज एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से है जो सुपर कॉइलिंग के लिए लगेंगे, डीएनए गायरेज लगेगा और डीएनए टोपो आइसोमरेज 1 लगेगा। ओके, तो पहला क्या है अपने पास, सर्कुलर डीएनए है, ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन उसको बाइंड करेंगे, लूप फॉर्म करेंगे, डायमीटर हो जाएगा 30 माइक्रोमीटर। याद रखो 30 माइक्रोमीटर होने के बाद ये लूप को कनेक्ट करने के लिए कौन है, देर आर आरएनए कनेक्टर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है लूप इज असिस्टेड बाय आरएनए कनेक्टर। ओके, उसके बाद में सिंगल लूप फिर से क्या हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा। ये सुपर कॉइलिंग कौन करेगा, दैट इज व्हाट, व्हाट इज द नेम ऑफ, है कि नहीं? तो आपको यहाँ पे क्या मिला, सुपर कॉइलिंग मिला, और ये सुपर कॉइलिंग में ईच लूप इज इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल्ड बिकॉज ऑफ विच एंजाइम, डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपो आइसोमरेज। तो आप फिर से उसको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। पार्शियल आरएनए डाइजेशन से देखो क्या हो जाएगा, ये आरएनए कनेक्टर निकल जाएंगे, बराबर कि नहीं? तो स्लाइटली ये क्या हो जाएगा, अनफोल्डेड हो जाएगा। अगर आपने डीएनए से ट्रीट किया, ओके, इसको अगर हम लोगों ने डाइजेस्ट किया या फिर उसको क्या किया, एंजाइम के साथ ट्रीट किया, कौन सा नाम है, डीएनए, तो क्या हो जाएगा आपको, ये निक डीएनए, निक डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और अनफोल्डेड डीएनए आपको दिखेगा। ओके, तो ये हुआ डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है वो याद रखो, ये आप लिख सकते हैं एज अ नोट की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।